कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल विजेता आकर्षि कश्यप का शहर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। शहर विधायक सभापति सहित शहर के वरिष्ठ लोगों ने शहीद चौक पहुंचकर स्वागत किया और शुभकामनाएं दी। 21 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप ने इंग्लैंड के बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारतीय मिश्रित बैडमिंटन टीम में शामिल होकर टीम के लिए सिल्वर मेडल जीत देश के लिए बड़ी जीत हासिल की है। नगर आगमन पर ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने विभिन्न खेल संगठनों के अलावा धार्मिक व सामाजिक संगठनों द्वारा सिल्वर मेडल विजेता आकर्षि कश्यप के भव्य स्वागत पर बाइक रैली निकाली गई। वहीं शहीद चौक पहुंचे शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी सबा अंजुम सहित शहर के वरिष्ठ गणमान्य लोगों ने आकर्षि कश्यप का भव्य स्वागत किया, साथ ही पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस संबंध में न्यूज टीम के समक्ष पूर्व भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रही सबा अंजुम, शहर विधायक अरुण वोरा, दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल और खेल जगत से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। स्वागत किया क्या काफी अच्छा लग रहा है ये सब देखकर और बहुत मोटिवेटिंग फील हो रहा है। जाने से पहले भी हमने मेरा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और सिल्वर मेडल लाना भी बहुत बड़ी बात है, कॉमनवेल्थ जाना बहुत बड़ी बात है और कॉमनवेल्थ मेडल लाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है, तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है, छत्तीसगढ़ के लिए, ग्रुप वालों के लिए और जो कमिंग अप खिलाड़ी है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, उनके लिए मोटिवेशन है कि आप करते रहिए, एक ना एक दिन आप जो चीज़ आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ आप ज़रूर जाएंगे। क्योंकि आकर्षि को मैं अभी से नहीं देख रही हूँ, मैं उसको बहुत छोटी सी तब से देख रही हूँ और मेरे साथ वो दौड़ी भी है, खेलती भी थी, प्रैक्टिस भी करती थी, तो उस टाइम से लगता था कि ये कुछ करेगी, लेकिन कॉमनवेल्थ में जाना बहुत बड़ी बात थी और मेडल लाना तो समझ लीजिए आप उसमें कितना एफर्ट लगा होगा, मेडल पाना, फाइनल खेलना, तो हम लोग की बहुत खुशी की और गर्व की बात है। इसमें उत्साह का वातावरण बना हुआ है, खासकर दुर्ग की बेटी है आकर्षि कश्यप, दुर्ग में तो ऐसा लग रहा है जैसे त्यौहार आज हम लोग मना रहे हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम में वो जो उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया है, काफ़ी कम उम्र में उन्होंने जो सफलता अर्जित की है उसके लिए जितनी उनकी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूँ कम है। ग्रुप का आज हर खिलाड़ी और हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि ग्रुप की बेटी ने छत्तीसगढ़ का नाम हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व के नक्शे में अंकित किया है। आज हम सब लोग आप देख रहे हैं जो माहौल यहाँ पर दिख रहा है खुशनुमा माहौल है और सारे के सारे दुर्ग के लोग यहाँ पर खिलाड़ी उपस्थित हैं, सभी वरिष्ठ नेता लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे आर.एन. वर्मा जी, हमारे जितेंद्र वर्मा जी और बाकलीवाल जी, देवेश मिश्रा जी, मोहरा जी, सभी और जितने भी खिलाड़ी आप देख रहे हैं जहाँ जहाँ तक मेरी नज़र खिलाड़ी मैं देख रहा हूँ, सभी नेता, सभी दल के लोग यहाँ पर, क्योंकि सबके मन में खुशी है कि हमारी बेटी ने कीर्तिमान स्थापित किया है और हम सब उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर इसमें एक बहुत बड़ा स्टेडियम बना हुआ है, रविशंकर स्टेडियम जीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ है, नहीं काफ़ी पुराना है और अभी जब से भूपेश बघेल जी ने खेल के क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है, जब से 3-3.5 वर्षों में बघेल जी ने सत्ता की कमान संभाली, उन्होंने कहा कि सारे खेल मैदानों को सुसज्जित किया जाएगा और दुर्ग के लिए भी उन्होंने राशि दी और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी इसका संधारण होगा। मोतीलाल वोरा जी के ज़माने में यह स्टेडियम का निर्माण हुआ था, अब बघेल जी इसे पूरा करेंगे की बात है, ये पूरे दुर्ग शहर के लिए गौरव की बात है, पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए कि हमारी अपनी बिटिया आकर्षि कश्यप ने ग्रुप इवेंट में सिल्वर मेडल लाया,
के हर मैचों को हमने बर्मिंघम से जो लाइव प्रसारण आ रहा था हम लोग देख रहे थे और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन उन्होंने किया। हम लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में जो ग्रुप के लिए पूरे देश के लिए गोल्ड मेडल लाएगी, हम सब की शुभकामनाएँ उनके साथ हैं। मैं बधाई देना चाहता हूँ उनके पूरे परिवार वालों को, उनके कोचेस को और उनके सभी शिक्षकों को, क्योंकि ये हम सब के लिए गौरव की बात है। जब आकर्षि कश्यप साहब बर्मिंघम के लिए इंडिया नंबर वन हुई थी और सिलेक्शन हुआ था, तब हमने नगर निगम ग्रुप में उनका स्वागत किया था और शुभकामनाएँ दी थी कि वो आने वाले समय में पदक लाए। उन्होंने पदक लाया, ये बहुत ही हर्ष का विषय है हम सब के लिए। अब मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, हमारे नगर निगम ग्रुप की ब्रांड एम्बेसडर भी आकर थी। बैडमिंटन का सिल्वर मेडल जो हमारे जिले की और ग्रुप की बोलना चाहिए कि अगर मिलता है बहुत ही प्राउड की बात है। बहुत दिनों के बाद आज हमारे जिले का और ग्रुप का खासतौर पर कोई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेडल जीता है और इसके लिए दिल से सभी जितने भी हमारे खिलाड़ी यहाँ जुड़े हैं सबको बधाई दे रहे हैं और एक अच्छा माहौल बनेगा आने वाले समय के लिए भी। और ग्रुप में जो खेल की थोड़ी सी गतिविधियाँ शिथिल जैसी पड़ गई हैं वो भी रफ्तार पकड़ी है समझता है इस मेडल के बाद। ग्रैनी सी न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।